और मैं सवार हूँ अपनी बोट पे। अरे इस आइलैंड पे ये क्या है? मुझे पता है, ये है एक गेम जिसमें हमें केकड़ा यानी क्लब ड्रॉ करना है। तो बनाते हैं पहले इसकी बड़ी बड़ी आँखें, फिर चेहरा और मुस्कुराता हुआ मुंह। मत भूलना बनाना इसके पंजे, और बिना पैरों के तो ये है अधूरे। अब करते हैं इसके शरीर के भागों को अलग। देख लो, जोड़ने से पहले तुम भी इनकी एक झलक। पहले इसे ट्राई करते हैं। नहीं, थोड़ा घुमा लो। बिल्कुल सही। और ये है पैर, जो जाएगा यहाँ। बहुत बढ़िया। अब ये आ गया चेहरा, कहाँ? यहाँ। और ये पंजा, यहाँ नहीं, इस तरफ। हाँ, अब आई दूसरी की बारी। थोड़ा नीचे, एकदम ठीक। अब दूसरे पैरों को लगाएंगे यहाँ, और आखिर में मुंह। ये लगेगा ठीक बीच के हिस्से में। वाह, बहुत अच्छे। कितना क्यूट है ये। आपने तो कमाल कर दिया। आज केकड़ा बनाने और जोड़ने में आया मुझे बड़ा मजा। अब जाता हूँ मैं, आऊंगा मिलने फिर दोबारा। हाय दोस्तों, मैं हूँ केंटेक छोटू सा एलिफेंट। आज हम कुछ बनाने जा रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? बाप रे, ये तो बहुत सारे नंबर्स हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा दोस्तों। ये आंखें, ये गाल, ये क्या, इतनी लंबी नाक। अरे ये तो सूंड है। और मुंह, ये बड़े बड़े कान, ये पेट, ओ हाथ और पैर भी हैं। मुझे तो लगता है ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है। ये तो मैं हूँ। चलो ये नंबर जोड़ते हैं और कंप्लीट करते हैं इस ड्राइंग को। 1, 2 और 3। अब कहाँ जाएंगे? 5? नहीं नहीं, 3 के बाद क्या आता है? 4 ना। फिर उसके बाद 5, 6, 7। अरे अरे, ये कहाँ जा रहा है? 7 से सीधा 10। नहीं, 7 के बाद 10 नहीं आता। 7 के बाद आता है 8, फिर 9 और 10, फिर 11। अरे 13? नहीं, ये गलत है। वापस जाते हैं। 11 के बाद 12। जी हाँ, अब आएगा 13, 14। अरे 16 कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 14 के बाद आता है 15, और उसके बाद आता है 16। पैर के पास 17 और 18। यहाँ तक तो पहुँच गए, आगे कहाँ? नहीं नहीं, ये गलत जा रहा है दोस्तों। 20 पर नहीं, 18 के बाद तो आता है 19। सही। फिर उसके बाद आता है 20। बना ली ना हमने बढ़िया चीज। सारे नंबर्स को हमने जोड़ लिए। अब हो गई ना हमारी ड्राइंग पूरी। अरे ये तो बिल्कुल मैं ही हूँ, पूरा का पूरा। क्या मस्त काम किया दोस्तों। नंबर्स जोड़े और सीखे भी। देखते रहिए एक छोटा केंट। बाय बाय। हाय दोस्तों, मैं हूँ केंटेक छोटू सा एलिफेंट। आज हम खेलेंगे गेम ट्रांसपोर्ट के सही तरीकों को पहचानो। दोस्तों रेडी? देखो ये है बस। क्या आप बता सकते हो कि ये कहाँ चलती है? क्या बस हवा में चलती है? ना ना। तो क्या ये पानी पे चलती है? नहीं, ये तो है जमीन पर चलने वाला ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। बस चलती है सड़कों पर। पीप पीप, बस के पहिए घूमे गोल गोल गोल। लो आया हवाई जहाज। क्या आप बता सकते हो ये कहाँ चलता है? क्या ये पानी पे चलता है? नहीं। क्या हवा में? हाँ, बिल्कुल सही। ये तो कमाल हो गया।
देखो मैं कितनी ऊंचाई पर उड़ चला। आपका छोटा कैट हवा के साथ बह चला। अब अगला वाहन है ट्रेन। अच्छा बोलो तो क्या ट्रेन पानी पर चलती है? नहीं नहीं। तो क्या ये हवा में उड़ती है? नहीं बाबा नहीं। हाँ ये जमीन पर दौड़ती है, पटरियों पर। ये चली मेरी ट्रेन, चिक 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 चिक। देखो कितना प्यारा है ये हॉट एयर बलून। क्या ये जमीन पर चलता है? नहीं। आसमान पर? हाँ जी हाँ, इसीलिए तो इन्हें कहते हैं हॉट एयर बलून। मैं चला छूने आसमां। हाँ अब हमारे पास है एक साइकिल। क्या ये पानी में चलती है? नहीं नहीं। तो क्या ये हवा में उड़ती है? बिल्कुल नहीं। अरे साइकिल तो चलाई जाती है जमीन पर। मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है ना? इसे देखो, ये है कार। तो क्या कार है पानी का ट्रांसपोर्ट? ना ना। तो क्या ये जमीन पर चलती है? जी हाँ, कार चलती है सड़कों पर, बस की तरह। ब्रूम ब्रूम ब्रूम, मेरी सवारी निकल पड़ी। ओहो, देखो बोट यानी नाव। क्या ये जमीन पर चलती है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हवा में? बोट हवा में थोड़ी चलती है। पानी? एकदम सही। ये बोट पानी पर चलती है। ला 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 ला। मैं चला नदी के पार। तो कैसा लगा ये गेम? खेल कर आया ना मजा। तो अगली बार मिलूंगा लेकर गेम को ही दूजा। बाय बाय। ये मेरा ट्रैक्टर चले कितना फास्टर। हाय दोस्तों, मैं हूँ कैंटेक छोटू सा एलिफेंट। करेंगे एक काम, जाके अपने फार्म। पर मैं सबसे पहले क्या उगाऊंगा, सब्जी या फल? हाँ, अरे ये कौन सा पौधा है? बताओ दोस्तों, क्या ये गोभी है? नहीं नहीं। क्या ये आलू है? नो नो। ये तो टमाटर है, लाल लाल। कर दिया ना हमने कमाल। आहा टमाटर बड़े मजेदार। चलो अब कुछ और उगाते हैं, मजा आ रहा है ना दोस्तों? चलो आगे बढ़े। अरे ये बेल पे क्या है? अरे इसकी जगह क्या फिट होगा? एप्पल्स यानी सेब? नहीं नहीं। तो फिर तरबूज? इतना बड़ा तरबूज कैसे फिट होगा यहाँ? तो फिर अंगूर ही होंगे। हाँ अंगूर यानी ग्रेप्स लग गए यहाँ। अंगूर फिट हो गए, मैं हो गया खुश। आज मैं पीऊंगा अंगूर वाला जूस। और बीज बोते हैं, थोड़ा और पानी भी डालते हैं। वाह ये जमीन के नीचे क्या उग रहा है? बताओ दोस्तों, चलो देखते हैं यहाँ कौन सी सब्जी लग सकती है। बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है गाजर है सही? अरे इसका तो शेप ही अलग है। शायद ये आलू हो सकता है। हाँ और इसमें तो ढेर सारे लगे हैं। चल गया है मेरा जादू, यहाँ लग गए कितने सारे आलू। एक गाना गाओ। आलू कच्चालू बेटा कहाँ गए थे, बोलो कहाँ गए थे। ये जमीन पर क्या उग रहा है? ये तो बेल है। चलो देखते हैं इनमें से कौन सा फल फिट होता है। एप्पल? नहीं ये नहीं लग रहा। शायद अंगूर? अरे नहीं नहीं ये भी नहीं। मैं ना वाटरमेलन यानी तरबूज लगा के देखता हूँ। अरे ये तो बिल्कुल सही फिट हो गया। तरबूज भी बेलों पे उगते हैं। और देखो तो ये कितने बड़े होते हैं। ओहो सारे फल और सब्जियाँ मैच हो गए। हमने ढूंढा तरबूज, आलू, टमाटर और अंगूर। अब मैं घर जाके फलों का जूस पीऊंगा और ताजी सब्जियाँ खाऊंगा। जल्द ही मिलेंगे, बाय बाय। हाय दोस्तों, मैं हूँ कैंटेक छोटू सा एलिफेंट। क्या आप मेरी मैच
मैजिक ड्राइंग देखने के लिए रेडी हो तो चलो चले। अरे अरे पहले बताओ तो सही ये क्या है? दो पहिए, दो दरवाजे, ये तो बन गई कार। होता हूँ मैं अब इस पर सवार। कितना मजा आ रहा है ना दोस्तों? रूम रूम। चलो कर लेता हूँ अपने दोस्तों से मुलाकात, ले चलता हूँ उनको भी मैं अपने साथ। अरे बुबू तुम्हारी टोपी। चलो चलिए स्कूल, पढ़ाई का बना लो अब मूड। आज हम कुछ नया सीखते हैं। ये बताओ तो जरा, पाँच में जुड़े छः तो होते हैं कितने? मैं बताता हूँ, इसका जवाब है 11। आपने भी साथ में जवाब दिया ना? लो आ गए हम बीच पर, आ रहा है ना मजा? चलो दोस्तों इसी बात पर एक फोटो खींच लो। खिचिक। देखते हैं सबसे पहले कौन पहुंचेगा। ये देखो मैं इस फ्लोटिंग ट्यूब में कैसे तैर रहा हूँ। स्विमिंग स्विमिंग करते। यै। ऐसे बनाकर रेत का महल मेरा दिल जाता है बहल। अब मैं बनाऊंगा रेत में एक स्माइली। देखो ये क्या मस्त बन गया। चलो अब खेल के मैदान में चलते हैं, वहाँ ढेर सारी मस्ती करेंगे। ये। अरे लुक जल्दी से गोल करो। हाँ हाँ तुम कर सकते हो। अरे नहीं। देखा हो गया ना गोल। जब मिले हो दोस्त तीन बन जाता है अच्छा सीन। अब घर जाने की है बारी और देखते ही देखते खत्म हो गई अपनी सवारी। खो। मेरी मैजिक कार में सवार होकर मजा आया ना? तो अगली बार फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज हम सीखेंगे विपरीत शब्द यानी ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स यानी जिनका मतलब होता है उल्टा। जैसे दिन का विपरीत शब्द होता है रात। तो ऑपोजिट सीखने के लिए रेडी? तो बताओ क्या होता है बड़ा का ऑपोजिट? क्या वो होता है छोटा या फिर ठंडा? सही कहा आपने, बड़ा का ऑपोजिट होता है छोटा। देखो हाथी है बड़ा और चूहा है कितना छोटा। चलो आगे बढ़े। बोलो तो क्या होता है भरा का ऑपोजिट? क्या होता है ये उदास या फिर खाली? जवाब है खाली। ये ग्लास है भरा और ये खाली, तो बजाओ ताली। करते हैं अब हम अगला ट्राई। देखो यहाँ मैंने उठाया है कुछ बहुत भारी। क्या होता है भारी का ऑपोजिट? हल्का या उदास? मेरा चेहरा तो उदास सा है। लेकिन इसका सही जवाब है हल्का। पंख होता है हल्का। पत्थर है भारी और पंख है हल्का। चलो एक और करते हैं। हमारे पास ये चेहरा है जो खुश है। तो बताओ खुश का ऑपोजिट उदास होना चाहिए या ठंडा? बिल्कुल सही, उदास। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश का ऑपोजिट होता है उदास। वैसे कैसा है आपका हाल? चलो करते हैं एक और। हमारे पास है ये साफ हाथ। साफ का ऑपोजिट हल्का होता है या गंदा? एकदम सही, साफ का ऑपोजिट होता है गंदा। ये हाथ है साफ और ये है पूरा गंदा। यहाँ है आग और ये होती है बहुत गर्म। तो बताओ गरम का ऑपोजिट छोटा होगा या ठंडा? हाँ हाँ, गरम का ऑपोजिट होता है ठंडा। आग होती है गरम और बर्फ होती है ठंडी। कितना मजा आया, अगली बार मिलेंगे। बाय बाय। हाय दोस्तों, मैं हूँ केंटिक छोटू सा एलिफेंट। खेलेंगे गिनती का खेल आज हम। दिखा देंगे हमें कितना है दम। तो चलो
करने हैं संतरे यानी ऑरेंजेस इस बार। चलो चलो अब ऑरेंजेस की गिनती शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बिल्कुल सही, ये है पूरे 6 ऑरेंजेस। बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं अगला फल कौन सा है। सेब यानी एप्पल। और इसे लेने चला मैं अपनी चिक चिक ट्रेन में। देखो दौड़ रही है ये कितनी तेजी से। चिक 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 चिक। चलो गिनती शुरू करें। 1, 2, 3, 4 और ये 5। बहुत अच्छे, हमारे पास है 5 एप्पल्स। अब अगला फल क्या है बोलो। अनन्नास यानी पाइनएप्पल। आज मैं हूँ अपनी फिशिंग बोट पर। हेलो, कैसे हो आप? ये पाइनएप्पल्स कलेक्ट करने में कितना मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलो अब इनकी भी गिनती करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अनन्नास। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ है 7 पाइनएप्पल्स। अब किस फल की बारी है? बेर यानी नाशपाती। बेर लेने के लिए मैं चला प्लेन में। अब गिनती करें। 1, 2, 3, 4। तो कितने हैं? ये है पूरे 4 पेयर्स। बहुत बढ़िया। अब कौन सा फल है? स्ट्रॉबेरी। इसे लेने के लिए मैं जाऊंगा स्पेस रॉकेट में। बहुत मजा आ रहा है मुझे। अरे ये देखो स्ट्रॉबेरी। 1, 2, 3। तो कितने स्ट्रॉबेरीज हमने कलेक्ट किए? 1, 2, 3। तो हमने कलेक्ट किए पूरे 3 स्ट्रॉबेरीज। क्या बात है दोस्तों। ओहो, चांदनी रात में ये जगह कितनी सुंदर लगती है पिकनिक मनाने के लिए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। बाय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त केंट, एक छोटू सा एलिफेंट। मैं आपके लिए एक नया गेम लेकर आया हूँ। आज हम देखेंगे कौन सा जानवर कहाँ रहता है। तो चलो मेरे साथ देखते हैं ये प्यारे प्यारे जानवर कहाँ रहते हैं। रेडी? ये घर जैसी दिखने वाली चीज कैनल है। क्या आप बता सकते हो कैनल में कौन रहता है? क्या ये शेर का घर है? नहीं, शेर इसमें फिट नहीं होगा। तो क्या बीज यानी मधुमक्खियाँ? नहीं, ये भी नहीं। तो क्या चिड़िया यहाँ रहती है? अरे चिड़िया यहाँ नहीं रहती। तो क्या ये डॉग यानी कुत्ते का घर है? सही कहा, कुत्ता यानी डॉग रहता है कैनल में। चलो अगला क्या है देखते हैं। ये तो पॉन्ड यानी तालाब है। तो बताओ मुर्गी तालाब में रहती है क्या? अरे मुर्गी पानी में नहीं रहती। शायद मधुमक्खियाँ? नो नो, ये भी नहीं। तो क्या शेर रहता है? ओ नो, ये भी गलत है। तो क्या बत्तख? अरे हाँ, ये सही जवाब है। बहुत अच्छे, बत्तख रहती है तालाब में। देखो कैसे तैर रही है। ये तो एक कूप यानी दरबा है। अब इसमें कौन रहता है बोलो बोलो? क्या शेर दरबे में रहता है? नहीं। तो क्या मधुमक्खियाँ? नहीं नहीं। क्या ये चिड़िया का घर है? अरे ये भी नहीं, शायद मुर्गी यहाँ रहती है। ये सही जवाब। क्या बात है दोस्तों, मुर्गी रहती है कूप यानी दरबे में। पक पक पका। ओ, ये तो एक डेन यानी गुफा है। बापरे, क्या यहाँ मुर्गी रहती है? नहीं नहीं, अभी तो बताया था। तो क्या मधुमक्खियाँ? ओ
चिड़िया का घर है? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या यहाँ लायन यानी शेर रहता है? हाँ, बहुत अच्छे। गुफा के अंदर रहता है जंगल का राजा यानी शेर। कितना मजा आ रहा है। अरे, ये पेड़ पर क्या लटक रहा है? ये तो एक हाइव यानी छत्ता है। बताओ, यहाँ कौन रहता है? क्या शेर? नहीं, शेर तो गुफा में रहता है। तो क्या चिड़िया? चिड़िया पेड़ों पर रहती है, लेकिन छत्ता उसका घर नहीं है। तो क्या डॉग यानी कुत्ता यहाँ रहता है? नहीं, याद करो, कुत्ता तो केनल में रहता है। अरे हाँ, मधुमक्खियाँ। सही जवाब। मधुमक्खियाँ रहती हैं छत्ते में। वो तो हमें मीठी मीठी शहद भी देती हैं। अब ये क्या है पेड़ के ऊपर? ये एक नेस्ट यानी घोंसला है। यहाँ कौन रहता है? क्या मुर्गी यहाँ रहती है? नो नो। क्या ये मधुमक्खियों का घर है? नहीं बाबा, ये तो छत्ते पे रहती है। तो क्या शेर यहाँ रहता है? शेर पेड़ पे थोड़ी ना रहता है। ये चिड़िया का घर है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। चिड़िया रहती है नेस्ट यानी घोंसले में। कितनी क्यूट है ना? वाओ, इस खेल में कितना मजा आया ना दोस्तों। फिर मिलूंगा। बाय बाय। हाय दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा दोस्त केंट, एक छोटू सा एलिफेंट। पहले गाय का चेहरा बनाएंगे, फिर उसके कान, एक बड़ी सी नाक, आंखें और मुंह, फिर उसकी गोल मटोल बॉडी, फिर हाथ और पैर। ये बन गई हमारी क्यूट सी गाय। अब चलो इसके अलग अलग पार्ट्स को फिक्स करते हैं। ये क्या है? ये तो इयर्स यानी कान जैसा लग रहा है। हाँ, क्या फट से पता चल गया? ये तो आंखें हैं। बहुत अच्छे। अब ये कहाँ जाएगा? हाँ, ये गाय का मुंह है। अरे, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ये तो गाय की बॉडी लग रही है। लग गई। ओह, क्या ये गले की घंटी है? बिल्कुल सही। अब आखिरी बचा है हाथ और पैर। बहुत बढ़िया। क्या बात है, आपने कर दिखाया बच्चों। थैंक यू, आपने मदद की हमारी। गाय लग रही है प्यारी प्यारी। देखो, ये आ गई मम्मी काऊ, वो करती है मूं। क्या आपको पता है, गाय चारा खाती है और हमें दूध भी देती है, जिसे पी के हम स्ट्रांग बनते हैं। मैं नहीं होता कभी भी रॉ, दूध पीकर मैं बन गया स्ट्रांग। फिर मिलूंगा दोस्तों। बाय बाय। मैं आपका फेवरेट हूँ ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एक छोटा कैंट।